सोच रहा हूँ कि एक बिजनेस शुरू कर लूँ। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलना होता है जहाँ हम कहते हैं सोच रहा हूँ, और इस तरह के सेंटेंस को बोलते हुए हमें डाउट होता है, यानी हम श्योर नहीं होते हैं कि ऐसा मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे सोच रहा हूँ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या नहीं, सोच रहा हूँ वह मेरी मदद करेगी या नहीं, सोच रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ कहते हैं सोच रहा हूँ और आपको इस बात पर डाउट है, यानी आप श्योर नहीं है कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहते हैं आई एम वंडरिंग वेदर या आई एम वंडरिंग इफ। कैसे? आइए इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए फ्रेंड्स, इस लेसन की शुरुआत करें। सोच रहा हूं कि एक बिजनेस शुरू करूं या नहीं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम वंडरिंग whether I start a business or not. सोच रहा हूँ कि पार्टी में जाऊँ या नहीं. I'm wondering whether I attend the party or not. सोच रहा हूँ कि वह मुझे मदद करेगी या नहीं. तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I'm wondering whether she helps me or not. सोच रहा हूँ कि मुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं. I'm wondering whether I get success or not. सोच रहा हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे या नहीं. I'm wondering whether you share this video or not. Friends, उम्मीद करता हूँ कि आपको I'm wondering if या whether का use शानदार तरीके से समझ में आया, कि जब आपको कहना हो सोच रहा हूँ और इस तरह के sentence बोले जहाँ आपको बातों में doubt हो कि ऐसा है कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, तो इस तरह के sentence को बोलने के लिए आप कहेंगे I'm wondering whether या I'm wondering if. Friends, यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बता दूँ कि I'm wondering if का इस्तेमाल would you please के sense में करते हैं, यानी जब आप बड़े पोलाइट तरीके से किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो कई बार आई एम वंडरिंग इफ या वेदर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आपको कहना हो मेहरबानी करके क्या आप जरा खिसकेंगे, तो नॉर्मली हम लोग इस सेंटेंस को ऐसे कहते हैं वुड यू प्लीज मूव अ बिट, लेकिन कई बार इस सेंटेंस को ऐसे भी आप सुन सकते हैं आई एम वंडरिंग वेदर यू वुड मूव, मेहरबानी करके क्या आप इंग्लिश बोलेंगे वुड यू प्लीज स्पीक इंग्लिश, तो इस सेंटेंस के जगह पर आप कह सकते हैं आई एम वंडरिंग whether you could speak English. तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।